हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए एपिसोड में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल हमने डाला था टेक पोल हमारे कम्युनिटी टैब पे और आप लोगों के वोट के हिसाब से टेक ऑफ द डे जो है शुरू में होना चाहिए। तो आज के वीडियो में टेक न्यूज से पहले आपको टेक ऑफ द डे मिलेगा, जिसमें आपको कुछ बढ़िया टेक की जानकारी मैं देता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड को, लेकिन इसी के साथ मैं आप लोगों को थैंक यू भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कल मैंने बोला था कि भाई 200 लाइक आने चाहिए और 211 लाइक जो है देखने को मिले, यानी कि अ बिग क्लैप फॉर ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से सपोर्ट करेंगे तो हमारी टेक न्यूज आगे जा पाएगी और लोगों तक पहुंच पाएगी। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं, अब पहली टेक के खबर के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे भी पहले टेक ज्ञान। टेक ज्ञान में आज कुछ इस तरह से है कि क्या आपको पता है कि कंप्यूटर से भी लोग डरते हैं, यानी कि टेक से भी लोग डरते हैं। इस तरह के फोबिया को बोलते हैं टेक्नोफोबिया। ऐसे ही एक और फोबिया होता है जिसको बोलते हैं नोमोफोबिया, यानी कि अगर आप अपने मोबाइल फ़ोन के बिना है थोड़ी देर तो आपको ऐसा लगने लगता है यार कि नहीं नहीं मोबाइल फ़ोन चाहिए। ये तो आजकल बहुत ज़्यादा होता होगा, वर्क फ्रॉम होम में तो ज़्यादा ही होता होगा, क्योंकि हम हमेशा अपने मोबाइल फ़ोन को यूज़ करते रहते हैं। तो इस फिनोमिना को बोलते हैं नोमोफोबिया। और यहाँ पर एक और सबसे बड़ा फोबिया है, उसको बोलते हैं यहाँ पर फोमो। फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। सोशल मीडिया पे इस टर्म का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसका मतलब है कि बहुत सारे लोग कुछ काम कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है और आपको उसके बारे में नहीं पता, तो आपको लगता है कि यार मैंने तो मिस कर दिया, यानी कि मुझे नहीं पता, यानी कि मैं इतना नॉलेजेबल नहीं हूँ। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो जो होता है, वो कहीं ना कहीं आपको उस तरफ खींच लेता है, चाहे वो कोई सोशल मीडिया ट्रेंड हो या फिर कोई मीम हो या फिर कोई गैजेट हो या कोई टेक्नोलॉजी हो। तो इस तरह से होता है फोमो, जो कि आजकल के समाज में बहुत ज़्यादा देखा जाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहली तड़कती भड़कती खबर के बारे में, और आज की ये खबर आ रही है पोको की तरफ से। फाइनली पोको F3 कंफर्म हो गया है, या फिर कह सकते हैं पोको F3 GT कंफर्म हो गया है। अनु शर्मा जी ने, पोको इंडिया के ID ने, दोनों ने ही यहाँ पे एक वीडियो डाला है जिसमें ऑलमोस्ट उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि रेडमी K40 गेमिंग एडिशन ही पोको F3 GT होगा। और उन्होंने यहाँ पे ट्रिगर्स के बारे में भी बात करी है अपने ट्वीट के अंदर, तो मुझे लगता है ये कंफर्म हो गया। अगर फिर भी आप जानना चाहते हैं पोको F3 GT के बारे में सब कुछ, तो हमने एक हफ्ते पहले ही इसका वीडियो बना दिया था। अगर आप जाके उसे देखेंगे तो मैं उसका आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, आप जाके उसे देख सकते हैं, उसमें आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी पोको F3 GT के बारे में। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, ये आ रही है Realme की तरफ से। Realme प्लान कर रहा है कि भाई अपना Realme UI को शायद हम ड्रॉप कर दें। उन्होंने अपनी कम्युनिटी के अंदर एक Google फॉर्म का लिंक डाला है, जहां पे वो लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई आपको कलर OS कैसा लगता है, Realme UI के अंदर जो बग फिक्सेस होते हैं उसमें आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं, क्या Realme UI के अंदर आपको कुछ नए फीचर दिखते हैं। एक्चुअली में Realme UI कलर OS के ऊपर ही बेस्ड है और Oppo की ही सिस्टर कंपनी है Realme, तो ऐसे में UI तो सेम ही होता है, लेकिन शायद अब Realme प्लान कर रहा है कि भाई अपने UI को हटाओ, कलर OS को ही लाओ, क्योंकि ज़्यादातर लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और इन्होंने इसी तरह से एक फॉर्म जो है यहाँ पे भरने को बोला है लोगों से, तो देखते हैं क्या होता है, शायद फ्यूचर में हमें Realme UI नहीं देखने को मिलेगा, ऐसा लग रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और ये है Oppo Reno 6, Oppo Reno 6 Pro, Reno 6 Pro Plus, ये तीनों ही फ़ोन लॉन्च हो गए हैं। 90Hz का डिस्प्ले मिल रहा है, 5G का सपोर्ट मिल रहा है जो कि किसी काम का नहीं है, 65W की चार्जिंग मिल रही है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए ये नए फ़ोन आने वाले हैं बहुत जल्द इंडिया में। इनमें आपको MediaTek Dimensity का हार्डवेयर मिलेगा, एक में 900 है, एक में 1200 है। स्पेसिफिकेशन वगैरह को देखें तो यहाँ पे प्राइस जो है इनकी हो सकता है कम्पिटिटिव हो इस बार, लेकिन बहुत दिनों के बाद लॉन्च कर रहे हैं तो हो सकता है कि ये भी ऑफलाइन मार्केट के लिए भी लॉन्च हो। तो देखते हैं, क्या आपको इंटरेस्ट है इन फोन्स के बारे में, हमें अनबॉक्सिंग करना चाहिए, बताना कमेंट्स में। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और ये है OnePlus Nord के बारे में। OnePlus Nord N200 5G लॉन्च कंफर्म हो गया है पीट लाओ की तरफ से, बट अगेन ये इंडिया नहीं आ रहा है। जी हाँ, OnePlus का एक नया फ़ोन जो कि Nord N200 है वो इंडिया नहीं आने वाला, ये US और कैनेडा मार्केट के लिए है। और ये एक 5G फ़ोन है, फास्ट एंड स्मूथ एक्सपीरियंस यहाँ पे बोली जा रही है, लेकिन इसमें Snapdragon 460 है। तो इन्होंने पहले ही बोल दिया कि यार ये पुराने हार्डवेयर वाला फ़ोन हम इंडिया में नहीं लाएंगे, नहीं तो बहुत गालियाँ पड़ेंगी। और उन्होंने पहले ही अपनी जो है लॉन्च जो है एक तरह से क्लियर कर दिया कि दिस इज़ फॉर US एंड कैनेडा, चलो हमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा पुराने प्रोसेसर वाला फ़ोन हमें चाहिए भी नहीं।
बात करते हैं दोस्तों ट्विटर के बारे में। ट्विटर के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्विटर के ऑफिसेस पे रेड करी थी, फिर ट्विटर ने कुछ रिप्लाई दिया, फिर उसके बाद आज यहाँ पे ट्विटर की तरफ से कुछ अपडेट आया है और इन्होंने यहाँ पे बोला है कि भाई वी आर डीपली कमिटेड टू द पीपल ऑफ इंडिया। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि अब ट्विटर को गवर्नमेंट की बात माननी ही होगी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनका एटीट्यूड में थोड़ा बदलाव आया है और मुझे लगता है कि उन्हें वो सारी बातें करनी पड़ेंगी कहीं ना कहीं, जैसे भी वो करें, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनसे कह रही है। अब ये सही है गलत है वो तो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि मैं इस बारे में न्यूट्रल ही जवाब दूंगा। कुछ लोगों को लगता है कि भाई मैं एक साइड को सपोर्ट कर रहा हूँ, तो आप लोग अपनी राय दीजिए, मैं अपनी राय इस बारे में नहीं दूंगा, मैं न्यूट्रल ही रहूँगा यहाँ पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कुछ रूल्स हैं, ट्विटर को वो फॉलो करने हैं, करने चाहिए नहीं करने चाहिए बताएं कमेंट्स में आप अपना ओपिनियन। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और ये अगली खबर आ रही है जून 14 की। जी हाँ, जून 14 से जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो भी किसी भी तरह का पेड कंटेंट करते हैं, चाहे वो यूट्यूबर्स हों, चाहे वो ट्विटर पे फॉलोवर्स मतलब ट्विटर पे जो सेलिब्रिटीज़ हैं वो लोग हों, या फिर कोई भी और इन्फ्लुएंसर जो इंस्टाग्राम या कहीं पे भी है, नए रूल्स के हिसाब से जून 14 से उनको मार्क करना पड़ेगा, जो स्पॉन्सर्ड पोस्ट वो लोग कर रहे हैं उसको पेड लिखना पड़ेगा, वहाँ पे बताना पड़ेगा कि इट इज़ स्पॉन्सर्ड बाय अ ब्रांड। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या है, एक तरह से प्लेटफॉर्म और पूरी तरह से क्लियर और ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि एक प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है। अगर उस प्रोडक्ट को आप एक्चुअली में पसंद करते हैं उसके रिव्यूज़ पढ़ने के बाद, तो ही आप उसको लेंगे, और ऐसे में आप पूरी तरह से इन्फ्लुएंस होने से पहले अपना दिमाग और बेहतर यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि आई एग्री कि ये चीज़ होनी ही चाहिए थी इंडिया में और अब ये फाइनली हो रही है, तो वो एक अच्छी बात है। बात करते हैं अगली खबर, और ये है ट्विटर की तरफ से, ट्विटर का ब्लू सर्विस जो है यार, ये ट्विटर ब्लू सर्विस में क्या होगा, वेरिफिकेशन नहीं मिलने वाला, वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई किया हुआ मेरा भी अभी तक पता नहीं है, शायद डिनाई कर देंगे, बट एनीवेज ट्विटर ब्लू सर्विस के अंदर आपको अंडो ट्वीट का फीचर मिल जाता है, यानी कि आपने ट्वीट किया उसको आप अंडो कर सकते हैं, और ये फीचर को यूज़ करने के लिए आपको $3 पर मंथ देने होंगे एज अ फीस, और इसके अंदर आपको कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि कलर थीम वगैरह मिल जाएगा, iOS में आइकन्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो अंडो ट्वीट फीचर को यूज़ करने का पैसा लेगा ट्विटर, जो कि $3 है, क्योंकि उन्हें भी पैसे बनाने हैं भाई, वो किसी तरह से पैसे बनाएंगे, फ्री में यूज़ करते हैं सब लोग हम ट्विटर, तो उन्होंने सोचा कि इसी तरह से पैसे बनाए जाएं। आई थिंक ये सेलिब्रिटीज़ के लिए बहुत काम आएगा, जो कई बार कुछ ट्वीट कर देते हैं फिर बाद में लगता है कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई, तो वो अंडू कर सकते हैं अपना ट्वीट, क्या लगता है आपको। बात करते हैं दोस्तों रिलायंस जियो एंड आइटल के बारे में। रिलायंस जियो एंड आइटल ने मिल के एक फ़ोन बनाया है जो कि 4G का फ़ोन है, मतलब आइटल ने बनाया है, रिलायंस की पार्टनरशिप में है। ₹4,000 का ये 4G फ़ोन आपको मिल जाएगा। इस तरह के फ़ोन्स के अंदर जो सस्ते 4G फ़ोन्स होते हैं, कहीं भी आपको ये नहीं बताया जाएगा कि इसमें प्रोसेसर कौन सा है। इवन इन फ़ोन्स के अंदर कई बार मीडियाटेक का प्रोसेसर भी नहीं होता, किसी इवन अलग कोई स्पेक्ट्रा वगैरह का होता है। तो ये एक 1.4 GHz वाला फ़ोन है। अब ऐसे में अगर आपकी बहुत ही मजबूरी है और आपको ₹4,000 के अंदर एक 4G फ़ोन चाहिए, तभी आप इस फ़ोन के लिए जाएं। अदरवाइज़ मुझे मालूम है कि इस तरह के फ़ोन्स लॉन्ग टर्म चलने लायक नहीं होते हैं, ये सिर्फ आपको 3-4 महीने तक चलेगा, उसके बाद ये फ़ोन काफ़ी लैग और हैंग करेगा। तो ऐसे में सोच समझ के लेना इस फ़ोन को, 4000 का है ज़रूर, थोड़ा उससे कम भी है, लेकिन डिस्प्ले में, बिल्ड क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, सब चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है जब इतना सस्ता फ़ोन बनाया जाता है। और कहीं ना कहीं जियो की मार्केटिंग की वजह से इस तरह के फ़ोन और बिक जाते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं ऐसे फ़ोन्स को लॉन्ग टर्म में यूज़ करते हुए, यानी कि 6 महीने बाद ही फ़ोन ऐसा हो जाता है कि वो किसी काम का नहीं रहता। तो ऐसे में सोच समझ के जाना इस फ़ोन के लिए। आइटल अच्छे फ़ोन और भी बनाती हैं, थोड़ा सा आपको बजट बढ़ाना होगा, अगर आपको अच्छा फ़ोन चाहिए तो कम से कम आपको 6-7 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे, तब आपको एक डिसेंट फ़ोन मिलता है जिसको आप आराम से यूज़ कर पाएँ। अब बात करते हैं यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स की। टिप्स एंड ट्रिक्स के अंदर पहली बात यहाँ पे ये है कि क्या आपको पता है कि हिडन सेटिंग्स होती हैं आपके फ़ोन के अंदर डेवलपर ऑप्शन में, वो हिडन सेटिंग्स आपको बहुत कुछ करने देती हैं, आप उनसे प्रैंक कर सकते हैं अपने दोस्तों के फ़ोन पे, या फिर अपने फ़ोन पे कुछ ऐसे फीचर जैसे कि FPS मीटर को अपने स्क्रीन पे दिखा सकते हैं, जिससे आपको मिल जाएगा कि भाई आपका फ़ोन का डिस्प्ले कितने रिफ्रेश रेट पे चल रहा है, किस भी समय पे, किस भी एप्लीकेशन के अंदर। तो हमने बताया है इसके बारे में, आप जाके पढ़ सकते हैं, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। और जो दूसरी टिप है वो और भी इंटरेस्टिंग है, अगर आपके फ़ोन पे YouTube शॉर्ट नहीं चल रहा है आपकी YouTube ऐप में, तो हमने बताया उसको फिक्स करने के 3 तरीके जिससे आप YouTube शॉर्ट को एक्सेस कर पाएँ, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो उसको सॉल्व कर पाएँ। दोनों ही टिप्स एंड ट्रिक्स के लिंक
डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, और हमेशा की तरह आपके बढ़िया कमेंट्स हमने स्क्रीन पर दिखा दिए हैं। तो ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही हमें वो मोटिवेशन मिलता है और धीरे धीरे न्यूज़ जो है और पॉपुलर होगी और लोगों तक जाएगी और हम शायद 1 मिलियन का सब्सक्राइबर मार्क जल्द ही अचीव कर पाएंगे, और आपके सपोर्ट के बिना वो नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज की न्यूज़ देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।